इंडियंस आर कॉम्पिटेटिव, ये एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है या लग्जरी है जो इंडियंस को मिलती है। मेरे ख्याल से 99% लोग तो इसी पर्पस से ही आते हैं। वर्क इन बेटर प्लेसेस एंड यू गेट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। एक बार हम भी यही सोचते थे कि ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आएगा भाई, पाकिस्तानियों ने मतलब एकदम हल्ला मजा रखा है फिनलैंड में। लोग कम है तो चांसेस ऐसे भी होते हैं कि आप सही लोगों से टकरा जाओ। सॉफ्टवेयर साइड में इट स्टार्ट्स टू बी ऑलरेडी इजीियर, तब भी कभी कभार लैंग्वेज का फर्क आ जाता है। ये काफी ड्रीमी सिनेरियो, ये नॉर्मली नहीं होता है। हम अपने स्टूडेंट की तरफ से देखते ना तो हमें लगता है दुनिया हमारे अराउंड है। सभी लोग अभी इस समय वेट कर रहे होंगे सवाल का, और मास्टर्स किया है तो वो लगभग कितना एक्सपेक्ट कर सकता है। अच्छी कंपनीज भी कई बार इतना ही देती है। तो आप 5 से 4K यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर, वो लग गया तो आगे आपका अपने आप एक्सपीरियंस भी क्रिएट हो जाता है, जॉब भी लग जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज है पार्ट 2। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग चाहे तो पहला वीडियो भी देख सकते हैं, जहाँ पे हमने फिनलैंड के बारे में बात की इन जनरल और स्टूडेंट लाइफ के बारे में काफ़ी अच्छे से बात की है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉब्स के बारे में कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फिनलैंड में अवेलेबल है, कितना आसान है उन जॉब्स को पाना, जॉब एप्लीकेशंस का क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन से स्ट्रगल्स आते हैं जब आप जॉब ढूंढने निकलते हैं मार्केट में, और सबसे इम्पोर्टेंट आप कितनी सैलरी फिनलैंड में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी और देरी के स्टार्ट करते हैं आज का। आपने जो मतलब चीज़ें बताई हैं भाई, ये एज अ स्टूडेंट मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं, काफ़ी अच्छा आपने जो व्यूअर्स हैं जो मतलब इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो आना चाहते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, काफ़ी अच्छे से आपने एजुकेट किया है। अब इसके बाद आता है भाई, मैंने पढ़ाई भी कर ली, मैंने वहाँ पार्ट टाइम भी करके मैनेज भी कर लिया, लेकिन भाई मैं सिर्फ पढ़ने नहीं आया हूँ, मुझे करनी है नौकरी। यही रहता है मेरे ख्याल से 99% लोग तो इसी पर्पज़ से ही आते हैं, 1% हो सकता है जो कहते हैं कि नहीं पढ़ के तुरंत ही वापस जाना है। तो पहला और सबसे ज़रूरी सवाल वो ये कि क्या क्या स्ट्रगल्स हैं जॉब पाने के लिए फिनलैंड में, स्पेशली वहाँ से मास्टर्स करने के बाद। बिल्कुल, आई थिंक ये एक ऐसा सवाल है जो हर आई थिंक इंसान सोचता है आने के लिए, क्योंकि हर बहुत ही कम लोग हैं जो लिटरली सिर्फ स्टडीज़ के लिए आते हैं। आई थिंक द आइडिया इज़ कि आप जाओ एंड यू नो यू कैन वर्क इन बेटर प्लेसेस एंड यू गेट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, राइट? एंड मुझे लगता है इंडियंस आर कॉम्पिटेटिव इन दैट वे एज़ वेल, कि अगर किसी कंट्री में जाते हैं बाहर भी, सो वी आर ऑलवेज एक्चुअली एबल टू यू नो ग्रो वेरी क्विकली एंड गेट सम थिंग्स विच इज़ डिफिकल्ट टू गेट इन इंडिया बाई डिफॉल्ट। So of course there's a big struggle and I can definitely see like how I see the whole process. ठीक है, तो struggle क्या रहता है? मतलब struggle जैसे मान लीजिए मैं अपना थोड़ा बता देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ तक क्या था कि कोई कैंपस प्लेसमेंट जैसी चीज़ नहीं है जर्मनी में। आप पढ़ाई करते हो, ऑफकोर्स जॉब फेयर्स वगैरह होते हैं जहाँ पे आप जाके अपनी CV देते हो, फिर वो लोग मतलब आप बात करते हो, ईमेल एक्सचेंज होते हैं, ईमेल आईडी आई मीन टू से, फिर आप अप्लाई करते हो, वो बुलाते हैं, इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन होता है। बट जैसे इंडिया में होता है ना कि एक TPO सेल होता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल करके, जिसे कहते हैं कि वहाँ कंपनी आ रही है और आप आ सकते हैं मुंबई, आप आ सकते हैं चेन्नई वाला सिस्टम होता है, ऐसा होता है क्या फिनलैंड में? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली नॉट। आई थिंक हर कोई ये, एक बार हम भी यही सोचते थे कि ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आएगा, बट आने से पहले इतना एक्सपेक्टेशन सेट हो गया था कि करना खुद ही है, पूरा एफर्ट खुद लगाना है। और मुझे तो यही लगता है कि इंडिया में ये एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है या लग्जरी है जो इंडियंस को मिलती है कि भाई जॉब्स लिटरली होती हैं, दे आर वेटिंग कि यार इस कॉलेज में इतने लोग तो लेने हैं, हाँ तो उनमें से कैसे लें। तो बिल्कुल, तो इट्स आई थिंक दैट्स अ ग्रेट लेवरेज। बट अगर हम बाहर आते हैं तो वी हैव इट्स अ लॉट मोर लाइक यू हैव टू लर्न अ लॉट टू बी सेल्फ सफिशिएंट, वेदर इट्स मेकिंग फूड और वेदर इट्स लिटरली फाइंडिंग अ जॉब, राइट? उस सबका अपना स्ट्रगल होता है, रियली डिपेंड्स ऑन, जैसे कई बार क्या होता है जिनका पिछला एक्सपीरियंस रहा होता है रेलिवेंट, और इस मार्केट में अगर नीश है, तो जैसे एक बंदा था हमारा दोस्त था, पाकिस्तान से था बाय द वे, पाकिस्तानियों ने मतलब एकदम हल्ला मजा रखा है फिनलैंड में। मतलब उन्होंने क्या किया, वो लाइनेक्स पे काम करके आया था। लाइनेक्स पे जैसे मेडिकल डिवाइसेस होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, तो उसके अंदर जो लोग लाइनेक्स पे काम कर सकते हैं वो बहुत ही नीश है। अब वो आया, अब हमसे 1-2 साल बाद आया, हमें लगा भाई स्ट्रगल होगी अपनी, भाई ने पहले ही एक आध जगह एक आध वापस और एक दो अच्छी कंपनी थी उधर अपने रिज्यूमे डाला हुआ था, ऐसे ही देखता हुआ गूगल में डाल दिया, यहाँ आया एक जॉब फेयर आया गया, तो उन्होंने कहा जी आपने ये तो बहुत अच्छा है आपके पास, आपने अप्लाई किया क्या? उन्होंने कहा मैं तो पहले ही कर चुका हूँ। अब क्योंकि वहाँ सिस्टम में था और वो हेड HR से वहाँ पे खड़ी थी, लोग कम है तो चांसेस ऐसे भी होते हैं कि आप सही लोगों से टकरा जाओ, तो अब वो वैसे ही उससे इंप्रेस थी, उसने सीधा करके उसको कहा आप इंटरव्यू पे आ जाओ, वो इंटरव्यू अगले दिन जॉब लग गई। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि इतना ड्रीम सिनेरियो, मतलब ये मेरा अभी तक का सबसे, वो कहते हैं ना स्मूथ मलाई जैसा जिसे कहते हैं ना जॉब एक्सपीरियंस था, बट ये काफ़ी ड्रीमी सिनेरियो, ये नॉर्मली नहीं होता है।
अच्छा, मतलब बेसिकली आपको मतलब थोड़ा स्ट्रगल है फिर, मैं ऐसा समझू, जॉब पाने के लिए? मेरी नजर में काफी स्ट्रगल है। काफी स्ट्रगल है। हाँ, वो इस तरह से है कि लाइक डिपेंड करता है किस डोमेन से है, राइट? जैसे लेट्स से आप प्योर मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज में फंस सकते हो। अगर प्योर हार्डवेयर ओरिएंटेड है, वर्कर्स किसी कुछ भी लिंक बनता है, राइट? द मोर ग्राउंडेड टू द रियल वर्ल्ड द मोर लैंग्वेज कैन बी अफेक्टिंग। सॉफ्टवेयर साइड में इट स्टार्ट्स टू बी ऑलरेडी इजियर। यहाँ पर काफी स्कोप है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, इजीली जॉब मिल जाती है क्या फिनलैंड में भी वैसा ही है? अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई है तो आई वुड से यस, लाइक डेवलपमेंट साइड में इट्स ऑलवेज इजीयर। ऑब्वियसली जब भी कोई डेवलपर होता है तो कुछ ना कुछ उसमें एग्जाम्स एसोसिएटेड होते हैं, वो होते हैं, तो यू हैव टू बी गुड एज वेल। ऐसा नहीं है कि आप बस आएंगे और यू नो यू विल गेट द जॉब एज वेल। सो यू हैव टू लर्न वेल, यू हैव टू डू वेल। तो असाइनमेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। जब आप सॉफ्टवेयर के और बस लाइक चीज़ों में जाने लगते तब भी कभी कभार लैंग्वेज का फर्क आ जाता है, उसमें भी लैंग्वेज डिपेंडेंसी आ सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। बट देन अगेन, इफ यू आर मोर इन द कैपिटल एरियाज, वेदर इट्स बर्लिन, वेदर इट्स हेलसिंकी, डिपेंडेंट ऑन विच कंट्री यू आर, आई थिंक इंग्लिश स्टार्ट्स टू बी मोर एक्सेप्टेबल इन जनरल। बट जैसे यहाँ पे जर्मनी में क्या है ना कि जर्मन लैंग्वेज एक तरीके से मस्ट है, मतलब ये एक वो रिक्वायरमेंट है जो कि एकदम खुल के नहीं बोली जाती, बट होती है। पर ये होती है, इनफैक्ट अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है, अगर आपको अपने करियर में ग्रो भी करना है आगे, तो एट सम पॉइंट आपको जर्मन फ्लुएंट होनी चाहिए। ऐसा ही है क्योंकि फिनिश के साथ भी आई थिंक थोड़ा डिफरेंट है, उस मामले में थोड़ा डिफरेंट है कि रिक्वायर्ड नहीं है। और ऑब्वियसली इफ यू नो फिनिश लैंग्वेज, जॉब अपॉर्चुनिटीज का डोर खुल जाता है। ये बिल्कुल सही है। बट एट द सेम टाइम, जैसे मुझे भी फिलहाल नहीं आती है, सो आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट आई वुड से एंड आई विल लर्न इट एज वेल, आई विल एक्चुअली डू दैट। आई थिंक हैविंग स्टार्टअप समटाइम्स यू नो लाइक यू हैव सो मेनी अदर प्रायोरिटीज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट डाउन देयर। मुझे जरूर स्टार्टअप पे आएंगे, उसका भी रोक लो, वो स्टार्टअप की बात करेंगे, क्योंकि मतलब अभी जॉब पे रहते हैं आप, जॉब का बताओ पहले। ठीक है, तो जॉब के लिए क्या था, मैंने काफी ट्राई किया था, काफी स्ट्रगल भी किया था, एंड मेरा काफी अच्छे जीपीएस थे उस समय। आई थिंक जॉब इज अ लॉट मोर अबाउट द थिंकिंग फ्रॉम आउटसाइड, मतलब हम अपने स्टूडेंट की तरफ से देखते हैं ना, तो हमें लगता है दुनिया हमारे अराउंड है, बट व्हेन यू ग्रो एंड व्हेन यू स्टे देयर फॉर सम टाइम, यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट द आउटसाइड पर्सपेक्टिव ऑफ इट। और वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है कि क्या होता है, मार्केट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। कभी कभार ऐसे ही मार्केट आती है, मैंने वो सारे समय देखे हैं, हमारे टाइम में स्ट्रगल काफ़ी डिफिकल्ट था टू गेट इन टू जॉब्स, बट हमारे ही दोस्त थे, एक इलेक्ट्रॉनिक्स से था, विच इज़ अगेन नॉर्मली वेरी नीश, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना ओपन जॉब मार्केट नहीं है फिनलैंड में। बट मेरा फ्रेंड था, उसको पहले जॉब मिला ग्रीस में, वो क्योंकि यूरोपियन मार्केट इज़ ओपन, फिर जाके उसको अपने ही हमारी सिटी के, हमारे गांव जो जहां हम रहते थे टाउन के अंदर, एक एग्जैक्ट कंपनी मिली जो घर के सामने थी। सो इफ यू आर ओपन इनफ, यू आर ट्राइंग हार्ड, यू विल गेट इट वन वे और द अदर, व्हाटएवर यू आर डूइंग, बट देन यू हैव टू बी परसिस्टेंट फॉर दैट। लाइक तो वो आसान नहीं है, बट हो सकता है। तो आदित्य, जितना मैं समझ पाया हूँ आपने जो बताया कि बेसिकली ऐसे डरना नहीं है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं लगती, जॉब लगती है, बट आपको थोड़ा सा परसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा जॉब मार्केट में क्या है। हाँ, मतलब आपको मैं ओपन हूँ भी कि नहीं है, मेरे को बिल्कुल एग्जैक्टली यही चाहिए, या थोड़ा ओपन रहना, फाइंड योर वे इनटू द मार्केट फर्स्ट एंड देन यू कैन इजीली ग्रो योर वे एग्जैक्टली वेयर यू वांट टू। अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। करेक्ट, चलिए अच्छा है। अब ना मैं आपसे वो पूछना चाहता हूँ जो कि सभी लोग अभी इस समय वेट कर रहे होंगे सवाल का, कि भाई पैसा कितना मिलता है। तो एग्जांपल के लिए हम ये ले लेते हैं कि मान लीजिए अगर किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड में कोई पढ़ाई की है जी, और मास्टर्स किया है जी, तो वो लगभग कितना एक्सपेक्ट कर सकता है? बिल्कुल, आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन, और आई थिंक इसको इम्पॉर्टेंट भी है इसको टैकल करना, क्योंकि मुझे लगता है ये एक चीज़ काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है हमारे के ऊपर भी, कि पहली बात हम किस फील्ड में हैं। जैसे आई थिंक एआई इस टाइम पे जो फील्ड है, वहाँ पे आई हैव माय ओन फ्रेंड्स, ठीक है, लाइक जूनियर्स भी हैं, लाइक साथ के फ्रेंड्स भी हैं जो इस फील्ड में हैं, दे आर एक्चुअली मेकिंग गुड मनी, वेरी गुड मनी देयर। सो वेरी गुड मनी मतलब कितना? वेरी गुड मनी, आई मीन इन फिनलैंड एक्चुअली सैलरी जर्मनी से कंपैरेटिवली कम है, बट इट्स लाइक यू कैन अर्न, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर 2-3 years एक्सपीरियंसड एंड यू हैव समहाउ इन AI स्टडीज भी उसी डायरेक्शन में है, तो आप 5-6,000 क्रैक कर सकते हो इफ यू डू इट वेल। 5-6,000 ये है बेस्ट केस जो मैंने देखे हैं, ठीक है, बट एज अ मिनिमम 3.5 इज नथिंग, यू कैन इजिली क्रैक दैट, 4K यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर, बट देन यू कैन इवन टेक इट अप टू 5.5-6 अगर आप सही तरीके से पहुँच जाते हो। मतलब अगर मैं मान के चलूँ कि 3.5 जो है वो आप मिनिमम, तो 3.5 के यानी कि 3500 यूरो 3500 यूरोस पर मंथ ग्रॉस सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना मिनिमम, बाकी आपके एक्सपीरियंस पे भी है। तो अगर कोई फ्रेशर है, मान लीजिए उसने किसी ने काम ही नहीं किया है ना इंडिया में, और वो उसने जैसे बैचलर किया, फिर उसने उसके बाद मास्टर्स कर लिया और वो जॉब ले रहा है, तो वो 3500 यूरोस जो है उसको
मिलेगा, कहने का मतलब ये है। आई थिंक फ्रेशर का ऐसा होता है कि अगर आपको मार्केट एंट्री करनी है और आपको एक्सपीरियंस भी ज्यादा नहीं है, आई वुड से जो मिलता है लो, और वो 2500 तो मिल ही जाएगा। 2500 मतलब आप क्या कह रहे हो, मतलब ये ग्रोथ है कि इंटर्नशिप की तरह से? 2500-2800 अच्छी कंपनीज भी कई बार इतना ही देती है एज एन इंटर्न। वो क्या होता है, स्टूडेंट टाइम में भी ले सकते हो। हाँ, आपका थीसिस है ना, थीसिस इज द बेस्ट टाइम, उस टाइम पे वो जो दे रहे हैं वो आपको कुछ तो देते ही हैं, 200 से ऊपर ही देंगे, 2500-2800 जितना दे रहे हैं उसको ले लेना चाहिए। ठीक है, और फिर आगे वो परमानेंट जॉब पोजीशन दे देते हैं तो उसमें थोड़ी हाइक भी हो जाएगी, डिग्री भी आपके हाथ में आ जाएगी। तो बेस्ट वे एंटरिंग इज थीसिस करो कंपनी के अंदर, वो लग गया तो आगे आपका अपने आप एक्सपीरियंस भी क्रिएट हो जाता है, जॉब भी लग गया। तो ये भी एक तरीका है, जैसे आदित्य ने पहले बताया था कि आपको अवेयरनेस चाहिए, तो उसी में मैं इसे मान सकता हूँ कि जब आप मास्टर थीसिस कर रहे हो या अगर आप कोई इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हो तो चांसेस है कि उसी कंपनी में फिर आप परमानेंटली आप एम्प्लॉय हो जाओगे। बट लेट्स से अगर नहीं है तो कितना मैं एक्सपेक्ट करूँ, मतलब अगर बिल्कुल आप मास्टर्स के बाद देखें? हाँ, मैंने मास्टर्स के बाद लेट्स से मैंने कहीं अप्लाई कर दिया और मेरा हो भी गया, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? आई वुड से थोड़ा सिटी डिपेंडेंट है। हाँ, मतलब आप अगर हेलसिंकी में हैं तो 3K तो है ही है, 3K है ही, बहुत मुश्किल है उससे कम हो, क्योंकि हेलसिंकी इज एन एक्सपेंसिव सिटी एज वेल। तांपरे में इट माइट बी अ बिट लेसर, बट आई वुड से यू कैन जंप इन बिटवीन 3-3.5K इन हेलसिंकी एंड लाइक लेट्स से 2700-2800-3200 इन तांपरे, लाइक इन अ सेकंड टियर सिटी। ठीक है, आई थिंक जर्मनी में भी मोर और लेस ऐसा ही है, थोड़ा सा फर्क है क्योंकि जर्मनी में अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं तो वो 3.5K के अराउंड है, 3.5 से थोड़ा ऊपर है, अप टू 4K, और फिर तो मतलब उसके बाद का तो एक्सपीरियंस है, फिर आप किस कंपनी में है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट एनीवे, अगर आप फिनलैंड में पढ़ाई करते हो या करने आना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि जॉब में कितना मिल जाएगा, तो एक ये एवरेज आप ऐसे मान सकते हो कि 3000 या 3500, डिपेंडिंग ऑन विच सिटी यू आर इन, आप उतना मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये दूसरा पार्ट भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप इस पार्ट को भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए, उनके काफ़ी काम आ सकता है व्लॉग। साथ ही साथ जैसा मैंने कल बोला था, अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, आपका जो फीडबैक है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, हम उस पर टाइमली आपको रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर हम डिटेल में वीडियो बनाएं तो उसको भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। Bye.